सो वेलकम बैक गाइस, हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर सऊदी अरेबिया द लैंड ऑफ सैन। देखा जाए तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो वर्ल्ड में डेजर्ट की मात्रा तो क्या बताएं भाई, बहुत ही ज़्यादा है। हद में डेजर्ट है वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो। और डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। सो यार गाइस, यहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, यानी यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पे ग्रीनरी बिल्कुल नहीं दिखती, क्योंकि ग्रीनरी के लिए चाहिए वाटर, और यहाँ पे वाटर नाम की चीज़ होती ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और देखा जाए तो डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। अरे यार, हॉट डेजर्ट हमारे काम का, कोल्ड डेजर्ट अभी हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि यार साउथ अरेबिया के बारे में हमें पढ़ना है, और साउथ अरेबिया जो है वो हॉट डेजर्ट वहाँ पे है। और देखा जाए तो साउथ अरेबिया जो कंट्री है वो मिडिल ईस्ट में लोकेटेड करती है, वो भी कहाँ पे, अरेबियन डेजर्ट पे। और साउथ अफ्रीका ना कि सिर्फ अरेबियन डेजर्ट के में लाई करती है, देखा जाए तो वो रेड सी और पर्शियन गुल्फ के बीच में लाई करती है। यार ये किंगडम पता है किस लिए जाना जाता है, इसके पास इतने ज़्यादा ऑयल रिजर्व है ना, कि इस किंगडम को सिर्फ और सिर्फ ऑयल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑयल हमें मिलता है। सो देखा जाए उसकी जो नेबर, यानी उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसके पास कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ की बाउंड्री से जुड़ी हुई है। तो देखा जाए उनके जो नेबर्स हैं वो हैं कावत, इराक एंड जॉर्डन, कहाँ पे, नॉर्थ में, ठीक है, बहरीन एंड यूनाइटेड अरब इमरत, यूएई, फुल फॉर्म क्या है इसका, यूएई, ठीक है, और ओमान एंड कतार, ये कहाँ पे, ईस्ट में, और यमन इन द साउथ वेस्ट। तो ये भाई उसकी नेबर कंट्रीज हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो साउथ अरेबिया है वो किससे बना हुआ है, रॉकी प्लेट्यूज से, और वो रॉकी प्लेट्यूज के ऊपर क्या कवर है, सैंड कवर है, ठीक है। तो यार देखा जाए तो वो एक तरीके का वास्ट डेजर्ट है, और वहाँ पे तरह तरह के हिल लॉक भी देखने को मिलते हैं। हिल लॉक क्या होता है, वो एक टाइप का सैंड से बना हुआ एक टाइप का पहाड़ टाइप का होता है, जिसको हम लोग सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। देखा जाए तो यार यहाँ पे शॉर्टेज रहती है फ्रेश वाटर्स की और रिवर्स की, क्योंकि डेजर्ट है इसलिए यहाँ पे रिवर्स फ्लो नहीं कर पाती हैं। और देखा जाए अब इसके बारे में यार एक कुछ और थोड़ा जानते हैं, जैसे इसके यहाँ पे जो कैपिटल है वो क्या है, रियाद, ठीक है। एरिया कितना है, साउथ अरब का जो एरिया है वो है 2, यानी देखा जाए तो यहाँ पे वो है कुछ 22,50,070 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, ये एक यूनिट होती है। और पॉपुलेशन देखा जाए 2017 के हिसाब से तो कितनी थी यहाँ पे, 32.6 मिलियंस, ठीक है। और यहाँ पे जो अदर लार्जर सिटीज़ हैं वो कौन सी है, मैका, दमन, ठीक है, मैदान, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, अरबिक। और भाई सबसे बड़ी बात यार, कंट्री छोटी हो चाहे बड़ी हो, लिटरेसी रेट बहुत मैटर करता है, लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो है 94.4%, यहाँ पे लोग यानी यहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखा जाए वो कितना है, 74.1 ईयर। अब यार लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ये होता है कि आप कितने साल यहाँ पे एवरेज लोग जीते हैं, तो वो 74 ईयर्स तक यहाँ पे एवरेज लोग जीते हैं। और सबसे बड़ी बात यार, इस कंट्री को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, तो इस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी 23 सितंबर 1932। और यहाँ पे दूसरी बात, गवर्नमेंट कौन से टाइप की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है मोनार्क टाइप की, तो यहाँ पे भैया राजा का रूल चलता है अभी भी, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी है तो तुम पहुँच गया भैया डेमोक्रेसी है हम वोट डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।